दोस्तों आप इस बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं गूंगा और ये है एक गांव। आइए हम जानकारी हासिल करते हैं कि ये गूंगा इस गांव का नाम क्यों पड़ा, क्या है वजह कि इस गांव का नाम गूंगा पड़ा। और ये है बाड़मेर ज़िले के सिव तहसील का एक गांव गूंगा, जो जैसलमेर बाड़मेर हाईवे के ऊपर पड़ता है। ये बोर्ड गाँव से थोड़ा बाहर लगा हुआ था, इसलिए हमने आपको प्रमाण दिखाने के लिए ये वीडियो यहाँ से शुरू किया है। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी के लिए ले चलता हूँ इस गांव के अंदर, क्योंकि गांव के लोग ही बता सकते हैं कि ये गूंगा नाम क्यों पड़ा इस गांव का। बहुत सारे गांव का लोग भी है, बहुत जानने का प्रयास करा कि गांव का नाम गूंगा क्यों है। राम राम साह। राम राम साह। आप ही गांव रहे हो? मैं ये गांव रही हूं। ए गांव रो नाम गूंगा की कर पड़ी उबा ने पूछो बामन लार मत हिर को देव थार गांव में आया नहीं हो करो तारी मर्जी है पुखरा जो हां पुखरा जी को मैं आया जो की की कर पड़ी तो कई ना भाई अगला मैं इधर जोने वो मोर नॉलेज वान मैं मारी उम्र काटी थी अच्छा थे गांव में रही कौन मैं गांव में रहता पण हमरे वो जना मैं मिनक तो आ गया पूछे के की कर पड़ी गणेश सेट बोलता कौन गुंगो नहीं बोलो देखो भैया करे दोस्तों बुजुर्ग जो हैं वो इस गांव का नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों ने हमारे को स्टोरी बताई लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है, हंस के बात को टाल रहे हैं। लेकिन कुछ तो इतिहास रहा होगा, क्योंकि हर गाँव का नाम जब पड़ता है तो उसका कोई ना कोई इतिहास जो है होता है। लेकिन और प्रयास करेंगे, कोई और मिलेगा तो उनसे जानने का कि इस गाँव का नाम गूंगा क्यों पड़ा। तारा नाम है पुरुषोत्तम जी तो भी आपने की तो ध्यान वाला की कर पड़ी के देवल माच मुजा दिए तो कह दिए तो हां ना है तो को है जो को को हां हमने सुना है देवल मा के स्थान से कोई आदमी जा रहा था वो वास्तव में गूंगा था। अच्छा उन्होंने बोला कि अगर गूंगे हो तो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते तो गूंगा हो जाएगा। वो सही था, इसलिए उस दिन से गांव का नाम गूंगा रखा गया। अच्छा यहाँ पर एक पहले एक गूंगा आदमी रहता था। हाँ वहाँ पर यहाँ गाँव गाय चराता था। हाँ तो एक वहाँ पर हमारे मंदिर है देवल माँ। हाँ ठीक है, वो गाय चराती थी तब वो माँ आई थी यहाँ यही तालाब भी आई थी तालाब है। हाँ तालाब पर आई थी तब उसने गूंगे से पानी मांगा था। हाँ वो पानी मांगा, वो गूंगा ये बोल नहीं सकता था, उसने सर सर की। हाँ उस माँ ने शराब दिया, अगर तू गूंगा है तो तू बोलने लग जाएगा, अगर नहीं है तो तू ऐसा ही मरेगा। तो वो अचानक से बोलने लग गया, तो उसने उस नाम अच्छा उसी के नाम पे इसका गांव का नाम पड़ गया गूंगा गणेश पड़ गया। अच्छा गूंगा गणेश, गूंगा गणेश, गणेश सेठ था। अच्छा तो एक सेठ था जैन। हाँ जो यहाँ पर जो भी लोग पहले तो अब भुखमरी थी ही आपको बताइए, तो वो बुला बुला के लोगों को खाना खिलाते थे सबको, जो भी गाँव में भूखाना सोए। अच्छा गूंगा गणेश, पूरा नाम गूंगा गणेश। इस गांव के लोगों ने कुछ इतिहास जो है जिनको जितनी दंत कथाओं के माध्यम से पता था वो बताने का प्रयास किया, लेकिन अपने आप में कोई ना कोई स्टोरी रही होगी तभी जाके इस गांव का नाम गूंगा पड़ा है। और किसी न किसी गांव का जब नाम दिया जाता है तो उस इस गांव के अंदर रहने वाले लोगों का कोई ना कोई इतिहास देख के ही नाम दिया जाता है। ऐसे ही जैसलमेर बाड़मेर हाईवे के ऊपर सिव तहसील के अंदर गाँव का नाम है गूंगा। मैं आपका भौजी भाई फिर हाजिर हूँगा किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।